एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई सैटरडे 28 जुलाई को। वो इंसान जिसकी जॉब, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारा जो टेलीकॉम और ब्रॉडकास्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सिक्योरिटी उस इंसान के हाथ में, उन्होंने कहा कि मैं आज काउबॉय वाली गेम खेलूंगा। तो उन्होंने उसी तरह अपना ट्विटर हैंडल खोला और एक थ्रेट दे दी, एक चैलेंज दे दिया लोगों का कि देखिए ये रहा मेरा आधार नंबर, और कहा आइए आप हैक करिए और किस तरह से मुझे आप हार्म कर सकते हैं मुझे दिखाइए, किस तरह से आप मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं मुझे दिखाइए। तो जो रिस्पॉन्स आया वो एकदम ब्रूटल था। उनके डॉटर की ईमेल आईडी, उनका अपना डीमैट और बैंक अकाउंट, उनका एयरलाइन फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर, उनके सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स, उनका इनकम टैक्स यूनिक नंबर और उनकी बाकी डेमोग्राफिक डिटेल, ये सब हैक हो गई, सब मैनिपुलेट हो गया। और सबसे जो ज़्यादा डेंजरस चीज़ हुई, किसी ने एक रुपया अनसॉलिसिटेड बिना मांगे उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो ये इतना भारी और डेंजरस ब्रीच था और ये सब कुछ चंद ही घंटों में लोगों ने करके दिखा दिया। लेकिन देखिए उन्होंने क्या अपनी डिफीट मानी, उन्होंने क्या ह्यूमिलिटी और ग्रेस से कहा कि हाँ देखिए आप लोगों ने मुझे, मैंने आप लोगों को चैलेंज करा, आप लोगों ने मुझे इतना दिखाया कि किस तरह से ब्रीच हो सकता है, तो मुझे अब काम करना होगा, हम लोगों को सबको मिलकर काम करना होगा कि जो भी करेक्टिव्स हैं वो हम लगाएं जिससे कि हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है स्ट्रांग हो जाए। क्या उन्होंने ऐसा कहा, क्या उन्होंने ये ग्रेस और ह्यूमिलिटी दिखाई? नहीं दिखाई। देखिए महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि कोई नहीं कह सकता है कि उसको मोनोपोली है राइट जजमेंट की। उन्होंने कहा था कि हम लोग सब गलती करते हैं और हम लोगों की एक ऑब्लिगेशन रहती है कि अगर हम गलती करते हैं तो उससे हम सीखें और अपनी जजमेंट को बदलें। देखिए उनके जो राइवल उस जमाने के थे, विंस्टन चर्चिल, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल अग्रीएबल नहीं है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका वही मकसद है जो कि एक पेन का होता है इंसान के शरीर में। क्योंकि अगर पेन और क्रिटिसिज्म, अगर हम इन टाइम में इसको समझ जाएं तो हम बहुत भारी डेंजर को अवर्ट कर सकते हैं, हम बहुत भारी डेंजर से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो बहुत ही एक फेटल सिचुएशन बन सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब मैं सोचता हूँ कि आज की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये क्या फेटल चीज़ है कि एक बहुत ही सोबर, गॉड फियरिंग 63 साल के ब्यूरोक्रेट जिनकी ज़िंदगी निकल गई पब्लिक सेवा में, उनके क्रेडेंशियल्स देखिए, मैथमेटिक्स मेजर हैं आईआईटी कानपुर से, मास्टर्स हैं उनके पास कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, तो इतना गंभीर और इतना जिसके क्रेडेंशियल इतने अच्छे हैं, वो इंसान एक क्रिमिनल एक्ट कैसे कर सकता है? देखिए आधार को पब्लिकली रिवील करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए 3 साल की जेल होती है। तो ये हुआ तो क्यों हुआ, मैं ये अपने आप में सोच रहा था बार बार कि ये क्यों हुआ। तभी मुझे एक रेवलेशन आई कि देखिए आज का जो माहौल बन गया है, आज का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन गया है, उसमें जो क्रिटिक है वो एक दुश्मन बन गया है, वो एक एडवर्सरी है जिसको इलिमिनेट करना होता है। आप उसके साथ डिबेट नहीं करते हैं, आप उसके साथ मेरिट्स पे बात नहीं करते हैं, आप उसको कन्विंस नहीं करना चाहते हैं कि देखिए आप जो कह रहे हैं शायद उसमें इतनी सच्चाई नहीं है जो मैं कह रहा हूँ उसमें है, लेकिन आपकी बात में अगर सच्चाई है तो उसको मानने के लिए मैं तैयार हूँ। हम आज उस तरह की इंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, आज की जो इंगेजमेंट है वो इंटिमिडेशन उसको डिस्क्राइब करता है। कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन लीजिए, अगर सीमाओं को पार करोगे तो मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ये जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने दी इलेक्शन रैली में हुबली में 6 मई 2018 को, ये एक डेमोक्रेसी में एक लीडर शायद इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता इन एडवोकेटिंग वायलेंस ऑन हिज अपोनेंट। अब देखिए हमारे आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, ये इंटरव्यू प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट हुबली में थी उसके केवल 4 दिन के बाद हमारे आर्मी चीफ बिपिन रावत जी ने कहा कि मैं कश्मीरी यूथ को बताना चाहता हूँ कि आज़ादी तो देखो तुम्हें मिलेगी नहीं, लेकिन अगर तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो हम पूरी फोर्स के साथ तुम्हारे साथ लड़ेंगे। कश्मीरियों को ये समझ जाना चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक तो इतनी ब्रूटल नहीं हुई हैं जितनी हो सकती हैं, देखिए सीरिया और पाकिस्तान में क्या होता है। ये उन्होंने कहा, वहाँ पे टैंक्स और एयर पावर का इस्तेमाल होता है सिविलियन पॉपुलेशन पे। तो ये एक बहुत ही चिलिंग थ्रेट था। इससे जो
जेनोसाइड की इमेजेस हैं वो आती हैं। अब देखिए कितना आजकल जो पॉपुलर फिक्शन है, जो हार्मलेस चीज़ें हैं, एक फिल्म है फन्ने खान, बड़ी सिंपल सी फिल्म है, एक टैक्सी ड्राइवर की और उसके ड्रीम्स की, उसमें एक गाना था मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, तो अब ये थोड़ा एक सार्केस्टिक सा टेक ऑफ था प्रधानमंत्री मोदी का 2014 के इलेक्टोरल स्लोगन का कि वो सबके लिए अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या, 10 ही दिन में फिल्म मेकर्स पे ऐसा दबाव हुआ कि उनको सॉन्ग बदलना पड़ा, सॉन्ग के अब लिरिक्स बन गए मेरे अच्छे दिन अब आए रे, अच्छे दिन। और आपने पढ़ा भी होगा कि एबीपी न्यूज चैनल, जो कि बहुत पॉपुलर न्यूज चैनल है, वहां पे 3 जर्नलिस्ट को रातों रात क्विट करने को कहा गया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा को क्रिटिसाइज किया था। अब ये जो कल्चर बन गया है इंटिमिडेशन का, एनमिटी का, कि अगर आप मेरे क्रिटिक हैं तो आप मेरे दुश्मन हैं, ये नहीं कि मेरा और आपका विचारों का हमारा तालमेल नहीं है, कि आपका विचार मेरे विचार से अलग है। और इसी इन्वायरमेंट के होते हुए ऐसा हुआ कि एक बहुत ही गॉड फियरिंग सोबर ब्यूरोक्रेट ने अपना आधार नंबर अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया और अपने क्रिटिक्स को कहा कि आइए मुझको नुकसान पहुंचाइए, जबकि उनका जो रवैया होना ये चाहिए था कि देखिए आपको मैं आप किस तरह से मेरे आधार के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, ये उनका एटीट्यूड होना चाहिए था। लेकिन एटीट्यूड क्या था कि आप मेरे क्रिटिक हैं, आप मेरे दुश्मन हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझको नुकसान करके दिखाइए।